बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, ये रोजनामा दुनिया इस्लामाबाद का अखबार है, पहला पेज है उसका। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये 3 मई 2020 का अखबार है और उसका पहला पेज है, फ्रंट पेज है रोजनामा दुनिया इस्लामाबाद का, 3 मई 2020, आज से तकरीबन 3 साल पहले का ये अखबार है। और इसको अगर आप नीचे आए, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर एक खबर लगी हुई है, तनख्वाहों पेंशन में इजाफा के लिए 80 अरब रुपए के पैकेज की तैयारी का हुक्म। वजारत खजाना ने पे एंड पेंशन कमीशन को सफारशात के लिए तखमीना दे दिया, पेंशन के बोझ के हल के लिए भी तजावीज तलब। ये 2020 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक पे एंड पेंशन कमीशन कायम किया गया था, जिसको उस वक्त वजारत खजाना ने कुछ हिदायत की दी थी, तो उसकी ये खबर है आज से 3 साल पहले की। अब इस खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर बाज वीडियोस अपलोड हो रही हैं और खबरें चल रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ना, यही बिल्कुल सेम खबर आप कैप्शन देखेंगे और यही खबर लगाई हुई है उन्होंने सोशल मीडिया पर, जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पर, फेसबुक वगैरह पर, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफा के लिए 80 अरब रुपए की पैकेज की तैयारी का हुक्म। तो ये 3 साल पहले की खबर है और उसको उठाकर अब वीडियोस की सूरत में और पोस्टों की सूरत में जो है ना वो लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिससे एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो रही है मुलाजमीन और पेंशनर्स में खसूसन, कि शायद हुकूमत एक बहुत बड़े पैकेज की सूरत में उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करने का सोच रही है और उसके लिए 80 अरब रुपए की पैकेज की तैयारी का हुक्म दे दिया है। हालांकि ये 3 साल पहले की खबर है, मैंने आपको जैसा कि पहले दिखाया ये 3 मई 2020 की खबर है और अखबार है ये आपके सामने, देख सकते हैं इसमें यह खबर है। अब इसको 3 साल बाद आज की डेट में अप्रैल 2023 में इस खबर को उठाकर मौजूदा जो रेजीम है, हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की, उसकी जो है ना वो मदहसराई की जा रही है कि शायद वो 80 अरब रुपए की पैकेज की तैयारी का उन्होंने हुक्म दे दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये 3 साल पहले की खबर है। होना चाहिए, तनख्वाहों में भी इजाफा होना चाहिए, 100% इजाफा होना चाहिए, पेंशन में भी तकरीबन 100% इजाफा होना चाहिए, अलाउंसेस वगैरह, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इन तमाम अलाउंसेस में जो कि बहुत काफी अरसे से पुराने चले आ रहे हैं, इनको रिवाइज किया जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें तो हर 15 दिन बाद बढ़ा दी जाती हैं, जबकि कन्वेंस अलाउंस आज से 15-20 साल पुराना चल रहा है, वही पहले वाला। इसी तरह हाउस एंड रेंट अलाउंस जो है वो पुराना चल रहा है, तो इनको रिवाइज किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो खबर मैं आपके साथ, ये जो हकीकत आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुरानी है, तो मैं आपको आगाह करना चाह रहा था हकीकत से इस वीडियो के जरिए कि ये खबर 3 साल पुरानी है। ये जेन नशीन जो है ना वो आप चीज रखेंगे कि ये अगर कोई इस किस्म की वीडियो या पोस्ट आपके सामने आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये खबर 3 साल पुरानी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।